साथ निभाना साथिया फेम एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य के पति के साथ बिगड़ रहे रिश्ते और तलाक की बात पर अब देवो की सबसे अच्छी दोस्त और साथ निभाना साथिया में माँ जी का कैरेक्टर निभा चुकी रूपाली पटेल आई हैं सामने। देवोलीना पर दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। देवोलीना भट्टाचार्य और उनके हस्बैंड के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ये बातें कई लंबे समय से मीडिया में उठ रही हैं। और आपको बता दें देवोलीना ने जब से ही मुस्लिम हस्बैंड से शादी की थी और तब से ही वो फैंस के निशाने पे आ गई थी। देवोलीना को अब इंडस्ट्री में काम मिलना भी बंद हो गया है, लेकिन देवोलीना कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को संघर्ष कर रही है। और देवोलीना की जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि देवो अपने हस्बैंड से तलाक लेने जा रही हैं, इस पर अब उनकी सबसे अच्छी दोस्त और उनके साथ काम कर चुकी रूपल पटेल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बड़ा बयान दिया है। फिलहाल आपको बता दें देवोलीना ने शहनवाज के साथ शादी की थी और बीते दिन उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर किया था। इस पोस्ट के बाद से कहीं ना कहीं फैंस को ऐसा लगा था कि उनका जो डाइवोर्स की बात है वो बिल्कुल ही फर्जी है, लेकिन अब रूपल पटेल ने बता दिया है सच्चाई। रूपल ने कहा कि देवोलीना को मैं बहुत ही सालों से जानती हूँ, देवोलीना एक बहुत ही अच्छी इंसान है। वो उसकी निजी राय है, वो किससे शादी करती है किसके साथ रहती है वो सभी का पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लगता है कि किसी को भी इसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर देवोलीना और उनके हस्बैंड के बीच में रिश्ता अगर ख़राब है तो दोनों को ही बैठ के बात करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भी मीडिया में सुर्खियाँ बन रही है, जो भी मीडिया में ये सारी खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल फेक है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ देवोलीना और उनके हस्बैंड के बीच में है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा कुछ होगा तो दोनों ही मैच्योर हैं, दोनों बैठ के ये बातें सुलझा सकते हैं। तलाक लेना कोई भी ओपिनियन नहीं है, तलाक लेना लास्ट मोमेंट होता है। अगर हाँ आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मेरी अभी तक देवोलीना से ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। फिलहाल रूपल पटेल के इस सनसनीखेज खुलासे पर आपका क्या है ओपिनियन, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब।